नमस्कार, मैं हूं समीप राजगुरु और इस वक्त बारी है क्रिकेट एक्सप्रेस की, यानी कि दना दन जो है क्रिकेट की खबरें मैं आपको बताने वाला हूं। आप कान खुला रखिए और सुनते रहिए कि क्या क्या क्रिकेट में हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं क्रिकेट एक्सप्रेस। इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने 15 साल से भी ज्यादा समय तक चले करियर पर विराम लगाने का निर्णय लेते हुए संन्यास का ऐलान कर दिया। मॉर्गन की फॉर्म हालिया समय में खराब रही है, उन्होंने संन्यास के लिए ये सही समय समझा। अगले साल बीसीसीआई भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ऐसे में बीसीसीआई सरकार से टैक्स में छूट मिलने की तरफ देख रही है। टैक्स छूट के मामले को लेकर बीसीसीआई के पदाधिकारी पिछले सप्ताह वित्त मंत्री से मिले थे। रोहित शर्मा ने दिए 5वें टेस्ट मैच में खेलने के संकेत। सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। रोहित कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो आइसोलेशन में हैं और उनके खेलने पर भी संदेह बना हुआ है। रोहित शर्मा के पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके कवर के तौर पर मयंक अग्रवाल को इंग्लैंड बुलाया गया है। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बर्मिंघम में खेले जाने वाले 5वें टेस्ट को लेकर भारत को चेतावनी दी है। स्टोक्स के मुताबिक एजबेस्टन में भारत का सामना इस बार एक अलग इंग्लैंड टीम से होने वाला है। स्टोक्स ने कहा कि इंग्लैंड अपनी बल्लेबाजी को लेकर बेहद अलग अंदाज में मैदान में उतरने वाला है। भारत के पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर का मानना है कि सरफराज खान ने घरेलू क्रिकेट में इतनी शानदार बल्लेबाजी की है कि उन्हें भारतीय टेस्ट टीम से कभी भी बुलावा आ सकता है। आपको बता दें, इस रणजी ट्रॉफी सीजन में सरफराज खान ने मुंबई के लिए खेलते हुए सर्वोच्च रन बनाए हैं। भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव ने हाथ की चोट के बाद एनसीए में रिहैब प्रोग्राम में हिस्सा लिया। चोट की वजह से कुलदीप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे। कुलदीप यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी पोस्ट शेयर की। इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर ग्रेम स्वान ने कहा कि भारत के खिलाफ 5वें टेस्ट में मेजबान इंग्लैंड टीम का पलड़ा भारी है। इंग्लैंड ने तीसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 3-0 से सूपड़ा साफ किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां टेस्ट मैच बर्मिंघम के मैदान पर 1 जुलाई को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम को 3 T20 और इतने ही वनडे मैचों की सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का दौरा करना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह जानकारी दी। सीरीज का आयोजन 18 से 30 नवंबर के बीच खेला जाएगा। इसके बाद अगले साल जनवरी में न्यूजीलैंड की टीम लिमिटेड ओवरों की सीरीज के लिए भारत आएगी। भारत और श्रीलंका के बीच खेली गई 3 मैचों की महिला टी20 सीरीज के बाद आईसीसी ने हालिया रैंकिंग जारी कर दी है। बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की तरफ से स्मृति मंधाना चौथे, जमीमा रॉड्रिक्स 14वें और हरमनप्रीत कौर 18वें स्थान पर कायम है। वहीं अनुष्का संजीवनी 4 स्थान के फायदे से 60वें स्थान पर। पकड़ो कैच, जीतो मैच, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन क्रिकेट की हर खबर हम आपको बताते हैं। इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े रहें इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल के साथ। ब्यूटीफुली प्ले।